हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो ज़्यादातर चर्चा में रहता है और जिसकी जो है ज़्यादातर से हुआ कमेंट्स हमारे पास आते रहते हैं, और वो है सेक्स टाइम का कम होना। तो आज हम बात करेंगे सेक्स टाइम को कैसे बढ़ाएं। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। चलने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि हम ऐसी इंटरेस्टेड वीडियो लाते रहते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन है और आप हमसे पर्सनली ही बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए, वहाँ भी हम आपको रिप्लाई दे देंगे। देखिए, सेक्स टाइम कम होना ये बहुत ही जो है अजीब बीमारी है। सेक्स टाइम बढ़ाने के लिए सबसे पहला जो काम होता है वो होता है कीगल एक्सरसाइज। कीगल्स एक्सरसाइज के बारे में आपको पता होगा, यदि नहीं पता है तो आप डीपली जो है पढ़ लीजिए, वो बताने की जो है इसे नहीं होता है। दूसरा होता है स्टॉप एंड स्विच, जिसमें आप जब इंटरकोर्स करते हैं यानी जब सेक्स करते हैं, जब आप जो है इजेक्ट होने की उस पर होते हैं, स्थिति में होते हैं, तो उससे एक या दो सेकेंड पहले आप पेनिस को निकाल लीजिए, यानी लिंग को जो है विजाइना से निकाल लीजिए। उसके बाद में उसका जो अगला वाला जो भाग होता है उसको हल्के स्तर से दबाएं, जो कि आपको दबाना महसूस हो लेकिन जो है कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं हो आराम से। जब वो जो है गिर जाए, ये मतलब उसकी जो मसल्स हैं वो लूज हो जाए, तब आप उसको एक या दो मिनट तक आप रुकिए, उसके बाद में आप जो है फिर से कंटिन्यू कर लीजिए, ये सबसे बेस्ट है। दूसरा है, जब भी आप सेक्स करते हैं या संबंध बनाते हैं तो आप अपने दिमाग को उस जगह से बिल्कुल हटा दीजिए, आप दूसरी जगह जो है दिमाग को लगा दीजिए, आप बहुत ही अच्छे से सेक्स कर पाओगे। फिर यदि आप वहीं पर जो दिमाग भी रखते हैं तो जल्दी से जो है वो हो जाते हैं। अब बात आ जाती है मेडिसिन की। देखिए, मेडिसिन तभी काम करती है जब उसको आप प्रॉपर तरीके से लेते हैं, प्रॉपर तरीके से समझ पाते हैं, तभी जो मेडिसिन काम करती है। तो आपको ले लेना है ऑलिव ऑयल, मैं इधर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। दूसरा लेना है आपको शहद, हनी, आपको बहुत ही आसानी से हर एक जगह आपको मिल जाएगा। दोनों को आप एक एक चम्मच यानी एक एक टी स्पून सोते वक्त दूध में डाल के उसे घोल लीजिए। घोलने के बाद में खाना खाने के तकरीबन आधा से पौन घंटे बाद आप उसे ले लीजिए। इसको आप कंटिन्यू 15 दिन तक ले लीजिए, आप सोच नहीं सकते इतना जो है लॉन्ग टाइम हो जाएगा। दूसरी जो मेडिसिन है वो है शतावरी पाउडर। शतावर का जो पाउडर है वो बैद्यनाथ का भी आता है, डाबर का भी आता है और पतंजलि का भी आता है, आप उसको ले लीजिए। उसकी एक एक चम्मच सुबह शाम जो है ताजा दूध में डाल के पी लीजिए। यदि आपको ये भी नहीं मिलती है तो आप ले लीजिए धातु पौष्टिक चूर्ण। धातु पौष्टिक जो चूर्ण है वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा, बैद्यनाथ का है, डाबर का है, पतंजलि का है, आप किसी का भी जो है ले लीजिए। उसकी भी जो है एक एक चम्मच सुबह शाम दूध में डाल के ले लीजिए। यदि आप ये भी लेना नहीं चाहते हैं तो आप घर में चावलों में जब बनाते हैं तो उसका पानी बचता है चावल बनने के बाद, उसमें आप शहद डाल के ले लीजिए, उससे भी आपको बहुत ही अच्छा और बहुत ही कारगर रिजल्ट मिलेगा। यदि आप ये भी नहीं लेना चाहते हैं तो आप जो है ले लीजिए काजू। काजू को दूध में डाल के उसको उबालें, उबालने के बाद में उसको ठंडा कर लें, ठंडा करने के बाद में उसको मिक्सी में डाल के जो है अच्छे से ग्लेंडर करके उसको भी जो है पी सकते हैं। उसके बाद में यदि आप इसको भी नहीं कर पा रहे या जो है ज़्यादा महंगा होने की वजह से आप नहीं ले पा रहे तो आप केला जो है दूध में डाल के उसको जो है मिक्सी से जो ग्राइंड करके उसको भी आप ले सकते हैं, इससे भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो कैसी लगी वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी। अच्छी लगी है लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।